दोस्तों, आराध्या क्लासेस सर नहीं, मैं आपका स्वागत है। आज आपके सामने जो है बेहद ही आसान प्रश्न है। आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, आपको लगेगा कि इस वीडियो में क्या बनाया गया है, लेकिन आप लोगों में से ही कुछ बच्चे होंगे जिनको हमेशा इसके बारे में कन्फ्यूजन बनी रहती है। और यह जो है तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, या जोड़ते घटाते समय इसका हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो जिन बच्चों को आ रहा है वो भी देख लें, और जिन्हें नहीं आ रहा है वो तो देख ही लें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हमें आज तक की कन्फ्यूजन होती है कि इसमें जो छोटा है या ये बड़ा है, कि या फिर ये बड़ा है ये छोटा है, ये हमारी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आप बस यह जानिए कि जो बड़ा अंक होता है उसके तरफ इसका मुख होता है, जो बड़ा अंक होता है उसके तरफ इसका मुख होता है। जैसे 4 है, 8 है, तो 8 बड़ा है तो 8 के तरफ इसका मुख आप कर देंगे। 9 है, 7 है, 7 बड़ा है तो इसके तरफ आपको इसका मुख कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ दशमलव से संबंधित कुछ प्रश्न है जिसमें छोटा या बड़ा भरना है, आप इसे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, छोटा या बड़ा भरते समय, ठीक है, छोटा या बड़ा भरते समय हमेशा दशमलव के बाद अंकों का रहना समान होना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 7-7 है, यहाँ केवल 7 है। कहने का तात्पर्य, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो ये जो आपके 1 अंक की कमी हो रही है, इसे आप हमेशा 0 लगा करके पूरा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 लगा देंगे। अब ये देखिए, ये 6.77 हो गया, 6.70 होगा। अब आप यह तात्पर्य लगा लेंगे कि यह आपका बड़ा है, तो आप इस तरह से भर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यह देखिए, यह 8.47 है और यह 47.876 है। तो सबसे पहले आप यहाँ 0 बढ़ाएं, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है। अब आगे वाले से आप कंपेयर कर सकते हैं कि 47 है, यहाँ 8 है, यानी ये बड़ा है, ठीक है। यहाँ देखिए 24.75 है। तो आप में से कुछ बच्चे इसको बड़ी संख्या समझ करके इसी को बड़ा कर देंगे, लेकिन यह पूर्णतया गलत है। इस संख्या 25 में कोई दशमलव नहीं है, लेकिन आप जानेंगे कि दशमलव कहाँ है, इकाई अंक के पास है। जिस संख्या में कोई दशमलव नहीं होता है उसके इकाई अंक के पास दशमलव होता है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप 2 0 पुट करें। यह आपका 24 समथिंग है, यह आपका पूरा 25 है। तो बड़ा कौन हुआ? 25 हुआ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखें, यहाँ आपका 63.76 है, यहाँ 63.7 है। अब आप यह सोचेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है, तो बड़ा पता करने के लिए यहाँ सबसे पहले आप 0 बना के बड़ा बराबर कर लें। अब ये 63.76 है, ये 63.7 है, तो यानी बड़ा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यह देखिए, ये 66.37 है, ये 4.5 है, तो स्वाभाविक है ये बड़ा होगा। इसी तरह से यह देखिए, इसमें आइए, यह 66.6 है, यह 66.66 है, तो इसमें 0 बना के हम बराबर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपके सामने है, वह प्रश्न है आपका 7.8, बड़ा या बड़ा छोटा का चिन्ह भरना है, 7.769, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में कह देंगे कि ये बड़ा है, लेकिन यह बड़ा नहीं है। यहाँ आपका दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 0 दे दिए। अब यह देखिए 7, इसको नॉर्मली समझिए 800 है, हालांकि इसे मिला के नहीं पढ़ते हैं, दशमलव के बाद कभी भी अंकों को मिला के नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन जब पहली संख्या बराबर आ जाए, दशमलव के पहले वाले अंक बराबर आ जाए, तो आप नॉर्मली मिला के देखिए, यहाँ 800 है, यहाँ 769, तो 800 बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दशमलव वाले में हम छोटे बड़े का चिन्ह भरते हैं, ठीक है। हमेशा दशमलव के बाद वाले अंकों का इक्वल होना आवश्यक होता है। आगे है आपका भिन्नों में छोटा या बड़ा भरना। तो यह छोटा या बड़ा आपको भिन्नों में भरना है, ठीक है। अब भिन्नों में भरने के तमाम तरीके होते हैं, इसमें यह आपका बहुत ही ईजी मेथड है और यह बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको करने के लिए सबसे आसान मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। 5 का 4 में गुणा करवाएंगे कितना आ गया?
20 और 11 का साथ में करवाएंगे 77। कौन बड़ा? 77 इधर बड़ा हो जाएगा। 9 का 8 में गुणा करवा दीजिए, 9 आठे 72, 7 का 3 में करवा दीजिए 21। कौन बड़ा हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 6 का 5 में करवा दीजिए 30, 8 का 7 में करवा दीजिए 56। कौन बड़ा हो जाएगा? 56 बड़ा हो जाएगा। 7 का 6 में करवा दीजिए 42, 8 का 9 में करवा दीजिए 72। कौन बड़ा हो जाएगा? 72। 72 की तरफ इसका मुख कर देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का।